एवरीवन, आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप हुडेड आईज, जो छोटी आईज होती है, उनको आप कैसे बड़ा दिखाएं। तो यहाँ पे हुडेड आईज का मतलब होता है जो आईज होती है, जो आपका सॉकेट होता है, वो ऊपर वाली क्रीज से पूरा ढक जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो भी आप शेडोज क्रिएट करते हो तो वो दिखता नहीं है, और आप देख सकते हो जो एरिया होता है आईज का वो स्मॉल होता है। एंड जो मैं आज का आई मेकअप लुक बताने वाली हूँ आपको, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। मैंने बहुत ही सुंदर आई मेकअप यहाँ पे आपसे शेयर किया है, और यहाँ पे मैं क्रीज करने वाली हूँ और सिंपल तरीके से आपको बहुत शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले मैं अपनी आईलिड पर कंसीलर अप्लाई कर लूंगी, इससे मेरी आईलिड एकदम इवन टोन हो जाएगी, जो कि आप जब शेडोज क्रिएट करोगे तो आपको इवन टोन शेडोज मिलेंगे, कोई भी कलर चेंजेस नहीं दिखेगा। इसलिए शेडोज क्रिएट करने से पहले आई बेस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कोई भी कंसीलर से आप कर सकते हो। उसके बाद में मैं उसे सेट कर लूंगी। सेट करने के बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 की पैलेट, उसमें से मैंने सबसे लाइटर ऑरेंजिश शेड लिया है, ये पूरा ऑरेंजिश नहीं है। उसके बाद मैं उसे अप्लाई कर रही हूँ क्रीज पर, देन जब आप इसे ब्लेंड करोगे तो ये ऊपर अपने आप आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका ट्रांजिशन शेड। तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा कलर लेकर कलर डिपॉजिट करना है और उसे ब्लेंड करना है आपको एक फ्लफी ब्रश से। देन किस तरीके का मैंने शेप दिया है आप देख सकते हो, एंड ज्यादा आगे नहीं आना है, नहीं तो पूरा खराब हो जाएगा। उसके बाद में उसी पैलेट का मैजेंटा शेड यूज कर रही हूँ, एंड ये थोड़ा सा रेडिश मेहरूनी शेड है और मैं उसे अप्लाई की हूँ आउटर वी पे। देन आप देख सकते हो, अब जो हमारी जो डार्क शेड होता है वो आपको आउटर वी पर अप्लाई करना होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर हुडेड आईज है तो हम उसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, आप देख सकते हो। तो हुडेड आईज में होता है कि आपको एक आर्टिफिशियल क्रीज लाइन बनानी होती है कलर से, तो आप वो आईज बड़ी आईज दिखने लगती है। उसके बाद कट क्रीज ड्रॉ करने के लिए आपको डैश लाइन पर इस तरीके से कंसीलर को अप्लाई करना है। देन आप आईज ओपन करोगे तो आपको गाइडलाइन मिल जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक आपको कट क्रीज ड्रॉ करना है। उसके बाद उसको बिल्कुल धीरे धीरे कर आप एक क्रीज बना लीजिए, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऊपर लेके गई हूँ क्योंकि हमारी हुडेड आईज है, तो आपको मैंने बताया कि आपको आर्टिफिशियल एक क्रीज लाइन बनानी होती है। और आप कोई भी कंसीलर और बिल्कुल पतला सा ब्रश लें, उसके बाद ये कंसीलर पूरा ड्राई हो जाएगा। जो भी आपको पिगमेंट अप्लाई करना है धीरे धीरे कर उस पिगमेंट को अप्लाई करें और उसको साथ ब्लेंड करते जाइए, क्योंकि आप एकदम कोई भी कलर अप्लाई कर देते हो फिर वो ब्लेंड नहीं होता। उसके बाद हमारी जो कट क्रीज की लाइन है उसको हम वही डार्क शेड की मदद से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, कोई भी लाइंस ना दिखे। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ आई मैजिक का ग्लिटर ग्लू और दिस पिगमेंट, और ग्लू को मैं यहाँ पे आईबॉल पर अप्लाई कर लूंगी। देन फिंगर की हेल्प से स्प्रेड करने के बाद मैं पिगमेंट को अप्लाई कर लूंगी और उसको अच्छी तरीके से फिंगर से ब्लेंड भी करते जाऊंगी। ये लाइनर अप्लाई करने के लिए मैं जेल आईलाइनर यूज कर रही हूँ, और आपको हुडेड आईज में बिल्कुल पतला लाइनर अप्लाई करना है, क्योंकि लाइनर आप मोटा अप्लाई कर दोगे तो आधे से ज्यादा जगह वही घेर लेता है। उसके बाद पहले मैंने बिल्कुल पतला सा लाइनर क्रिएट किया है। उसके बाद यहाँ से आपको लोअर लेस लाइन को देखकर आप देख सकते हो मैंने एक विंग्स क्रिएट किया, ठीक है। जो आपकी लोअर लेस लाइन होती है उसको देखकर आपको 45 डिग्री पे एक विंग क्रिएट करना होता है। देन इसको धीरे धीरे कर मैं स्प्रेड करके जाऊंगी और उसको अंदर की तरफ मैं फिल कर दूंगी। देन बहुत ध्यान रखें, आपको बाहर की तरफ उस लाइन को नहीं क्रिएट करना है, बिल्कुल अंदर की तरफ उसे फिल करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे आईब्रो फिल कर रही हूँ, देन बहुत ज्यादा ब्रॉड आईब्रो नहीं फिल करना है, बिल्कुल हल्की आईब्रो आपको फिल करनी है, नहीं तो आप इतना अच्छा जो आई मेकअप करोगे वो पूरा आई मेकअप खराब देखने लगेगा। इसलिए बिल्कुल लाइट ही आईब्रोज डिफाइन करो, और आपको डार्क ब्राउन शेड लेना है इस चीज के लिए। उसके बाद में मैं इनर कॉर्नर पे लाइनर भी क्रिएट कर रही हूँ, ये लाइनर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद काजल भी जरूर अप्लाई करें, इससे आपकी आईज और ज्यादा बड़ी बड़ी दिखने लगती है, जो हुडेड आईज होती है। अच्छा सा डार्क काजल जरूर अप्लाई करें, डार्क कलर उसको अच्छे से ब्लेंड भी करते जाएं। तो आप देख सकते हो कि काजल अप्लाई करने के बाद आईज कितनी ज्यादा डिफरेंट दिखने लगती है, बड़ी दिखने लगती है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अपने लैशेस को कर्ल कर रही हूँ, इससे आपकी जो लैशेस होती है वो कर्ल हो जाती है, देन बड़ी बड़ी दिखने लगती है। इसके बाद में मैं उसमें मस्कारा अप्लाई कर लूंगी, मैंने यहाँ पे मालिया का मस्कारा यूज किया है जो काफी ज्यादा अच्छा है। और अच्छे तरीके से लैशेस पे मस्कारा करिए, बिकॉज आपकी हुडेड आईज है तो आपको आईज को बड़ा दिखाना है, तो हर एक चीज आईज में कीजिए। सो आप देख सकते हो बिना लैशेस लगाए मैं भी जो नेचुरल लैशेस है वो कितनी ज्यादा बड़ी बड़ी दिख रही है। उसके बाद मैं लोअर लैश लाइन पर ब्लैक कलर का शेड ले रही हूँ और उसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूंगी, इससे
आपकी आईज़ बैलेंस हो जाती है। और उसको मैं ब्लेंड करूँगी ऑरेंज शेड से। तो दो कलर के शेड आपको लेना ज़रूरी है लोअर लेश लाइन पर। सो फर्स्ट लेसेस लगाकर मैं अपने आई लुक को कंप्लीट की हूँ। आई होप आपको आज का ये आई मेकअप लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आप भी कटक्रीज ड्रॉ कर पाएंगे, हुडेड आईज़ में मेकअप कर पाएंगे। कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आज का आई मेकअप लुक कैसा लगा। एंड वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।